हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी थ्री इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डेली यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की, जो आम तौर पर ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो, क्या आप भगवान पर विश्वास करते हो? वैसे तो ये पूछने की बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो भगवान पर विश्वास नहीं करता होगा। फिर भी अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछना चाहता हो, क्या आप भगवान पर विश्वास करते हो, तो वो इंग्लिश में कहेगा, डू यू बिलीव इन गॉड, डू यू बिलीव इन गॉड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो, हाँ मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, हाँ मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, यस आई बिलीव इन गॉड, यस आई बिलीव इन गॉड। अगर वहीं मान लीजिए कोई ऐसा भी हो जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, और वो कहना चाहता हो, नहीं मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, नहीं मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, तो वो इंग्लिश में कहेगा, नो आई डोंट बिलीव इन गॉड, नो आई डोंट बिलीव इन गॉड। अगर वहीं आप फिर पूछना चाहते हो, आप भगवान पर विश्वास क्यों करते हो, आप भगवान पर विश्वास क्यों करते हो, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों की एक आस्था होती है जो भगवान पर विश्वास करते हैं। वैसे चलिए, आप भगवान पर विश्वास क्यों करते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे, वाई डू यू बिलीव इन गॉड, वाई डू यू बिलीव इन गॉड। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप भगवान पर विश्वास क्यों नहीं करते। उसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, आप भगवान पर विश्वास क्यों नहीं करते, तो आप इंग्लिश में कहोगे, वाई डोंट यू बिलीव इन गॉड, वाई डोंट यू बिलीव इन गॉड। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आप अंधविश्वास में भरोसा करते हो, क्या आप अंधविश्वास में भरोसा करते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे, Do you believe in superstitions? Do you believe in superstitions? अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरी पत्नी बहुत अंधविश्वासी है। मान लीजिए आपकी पत्नी अंधविश्वासी है, वो किसी भी चीज़ पर भरोसा कर लेती है, तो आप मान लीजिए कहना चाहते हो, मेरी पत्नी बहुत अंधविश्वासी है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, My wife is very superstitious. My wife is very superstitious. अगला सेंटेंस देखते हैं, मान लीजिए आप किसी मुसीबत में हो और आप कहना चाहते हो, मैं मुसीबत में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल। अगर वहीं मान लीजिए सीता नाम की कोई लड़की है और वो मुसीबत में हो, तो आप कहेंगे, सीता मुसीबत में है, सीता मुसीबत में है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, सीता इज़ इन ट्रबल, सीता इज इन ट्रबल। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, डू यू लाइक मी टू, डू यू लाइक मी टू। मान लीजिए आप जल्दी में हो और आप किसी से कहना चाहते हो, मैं जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, आई एम इन अ हरी, आई एम इन ए हरी। अगला सेंटेंस देखते हैं, मान लीजिए वहीं आपसे पलट कर कोई पूछना चाहता हो, इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, तो वो इंग्लिश में कहेगा, व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी। अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे उससे मिलने की कोई जल्दी नहीं है। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो, मुझे उससे मिलने की कोई जल्दी नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, आई एम इन नो हरी टू मीट हर, आई एम इन नो हरी टू मीट हर। अगर वहीं आप किसी की परवाह नहीं करते और आप कहना चाहते हो, मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। मान लीजिए आप किसी की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं और आप उससे कहना चाहते हो, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ,
तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई केयर अबाउट यू अलॉट, आई केयर अबाउट यू अलॉट। अगर वहीं आप कहना चाहते हो वह तुम्हारे बारे में परवाह नहीं करता है, वह तुम्हारे बारे में परवाह नहीं करता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही डजेंट केयर अबाउट यू, ही डजेंट केयर अबाउट यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मान लीजिए आप थोड़ा रूड टाइप के हों और आप कहना चाहते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तो आप कहेंगे आई डोंट केयर हु आर यू, आई डोंट केयर हु यू आर। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरा दिल अभी बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। मान लीजिए आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा हो और आप कहना चाहते हो मेरा दिल अभी बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे माई हर्ट इज़ बीटिंग सो फास्ट राइट नाउ, माई हर्ट इज़ बीटिंग सो फास्ट राइट नाउ। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, लोग ज़्यादातर वाईफाई का यूज़ करते हैं और जब वाईफाई का यूज़ करते हैं तो पासवर्ड तो पता ही होना चाहिए। तो मान लीजिए आप कहते हैं आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द पासवर्ड ऑफ योर वाईफाई, व्हाट इज़ द पासवर्ड ऑफ योर वाईफाई। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो शर्माओ मत, शर्माओ मत, आजकल तो वैसे भी लोग शर्माते नहीं हैं क्योंकि मॉडर्न टाइम है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बी शाई, डोंट बी शाई। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मेरी आँखों में देखो, मेरी आँखों में देखो, तो आप इंग्लिश में कहोगे लुक इन टू माई आइज, लुक इन टू माई आइज। अगर वहीं आप उसी व्यक्ति से कहना चाहते हो मेरी आँखों में मत देखो, मेरी आँखों में मत देखो, तो आप कहेंगे डोंट लुक इन टू माई आइज, डोंट लुक इन टू माई आइज। अगर वहीं आप मान लीजिए कल्पना करना चाहते हो काश कि तुम यहाँ होते, आप इमेजिन मान लीजिए करना चाहते हो और आप कहते हो काश कि तुम यहाँ होते, तो आप इंग्लिश में कहते आई विश यू वर हीयर, आई विश यू वर हीयर। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आप अपनी मोबाइल इधर उधर कहीं भी रख दिए और फिर आपको याद नहीं आ रहा है कि आपका मोबाइल कहाँ रखा है, तो आप किसी से कहना चाहते हो मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई कांट फाइंड माई मोबाइल, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो। मान लीजिए आप किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और वो बहुत सारी बातें आपको सुनाता है और आप सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हो तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू वांट मी टू डू, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। अगला सेंटेंस देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेजी बोलो। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेजी बोलो, तो आप कहेंगे आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। मान लीजिए आप किसी के साथ गुस्सा हो जाते हैं और आप उनसे कहते हो मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम इन नो मूड टू टॉक टू यू, आई एम इन नो मूड टू टॉक टू यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हारे साथ बहस करने के मूड में नहीं हूँ। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ बहस करने के मूड में नहीं हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम इन नो मूड टू आर्ग्यू विद यू, आई एम इन नो मूड टू आर्ग्यू विद यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, मान लीजिए आप कहना चाहते हो वह गणित में अच्छा है या माहिर है, वह गणित में अच्छा है या माहिर है, तो आप कहेंगे ही इज़ गुड एट मैथ्स, ही इज़ गुड एट मैथ्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ। मान लीजिए आप कहना चाहते हो मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ,
या आप अच्छे का जगह पर माहिर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं गणित में माहिर नहीं हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मान लीजिए आप किसी से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हों और आप उससे कहना चाहते हों अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू हैड बेटर गो अवे फ्रॉम हीयर, यू हैड बेटर गो अवे फ्रॉम हीयर।